أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं खुश आमदीद कर दिया तुहानू सब नू अपने पंजाबी किचन दे विच ते अज मैं लैके आई हाँ सब वास्ते एक नवी रैसपी एक नवी तरकीब बड़ी सोहनी तो बड़ी चटपटी जी बड़ी मज़ेदार जी अज मैं बना लगी हाँ बेसन के पकौड़े बड़े मज़ेदार ते बड़े चटपटे जे जिहड़ा नाम सुन के सब दे मूंह दे विच पानी आ जाए तो पंजाब की बड़ी ही कोई फेमस तो बड़ी मशहूर जी रैसपी आ तो थोड़ा जहा भी मौसम जड़ा ना बरसात का हो जाए थोड़ा जहा बारिश आन का मूड हो जाए तो सब दे जबान ते इको चीज़ होंगी है पकौड़े तो पकौड़े तो पकौड़े चाय नाल हो जाए तो वह मज़ा ही दुबाला हो जाता वा तो अज मैं लैके आई हाँ पकौड़े बेसन के बड़ी मज़ेदार जे तो बड़ी आसान कोई ये तरकीब आ तो चलो शुरू करते हैं मैं तुहानू दसदी हाँ मैं सारिया चीज़ा अगे रखिया हुई तेरे सब वास्ते दिखाने वास्ते कि ये पैंदा बड़ी आसान तो बड़िया जड़िया सिंपल जिया चीज़ा पैदा ये ये वास्ते मैं जी लिया वा एक आलू लिया वा उन्होंने मैं सोना बड़ा कट लू धो के रख लिया तो फिर बाद मैं कट्टांगी सोना अपने तरीके जिदा कट्टना चाहे उदा कट सकते हो नाल मैं धनिया लिया वा नाल मैं मर्चा लिया सब्ज़ मर्चा एक मैं प्याज लिया एक टमाटर लिया तो नाल मैं ले मसाले जी मसाले वेख लो मसाले जड़े बड़े आसान जे हर घर मौजूद तो ये वास्ते मैं ले जी सुका धनिया लिया दरदरी जी मिर्च ली आ कुटी लाल मिर्च नाल मैं लिया वा धनिया सुके धनिए का पाउडर हल्दी पाउडर लिया नाल जीरा पाउडर लिया नाल मैं ली आ काली मिर्च का पाउडर थोड़ा जहा तो नाल मैं नमक लिया हसबे जरूरत हसबे जरूरत ही सारिया चीज़ा लिया वा क्योंकि मेरा जोड़ा बेसन सगा वह एक पाओ आ एक पाओ मैं बेसन लिया तो मैं लिया वा दही दही बना चटनी बनाने वास्ते दही लिया वा लोग चटनी भी बना के मतलब नाल इंजॉय करते हैं तो उदा भी दही नू जड़ा है ना उदे नाल इंजॉय करते हैं चटनी बनाने तो बगैर भी तो नाल मैं लई आ पालक पालक बड़ी ताज़ा जी अपने ही घर की खेती आ ते बड़ी सोहनी तो बड़ी ही ताज़ा जी पालक सी ते इनू मैं अज विच पा के ते सोने जे तुहानू मैं पकौड़े बना के विखानी हाँ तो जिन्हों खा के मुँह विच पानी आ ते क्रिस्पी जे बड़े खस्ता जे चलो शुरू करते हैं अज की तरकीब हाँ जी तो पढ़िए बिस्मिल्ला तो शुरू करिए अज की रैसपी अज की तरकीब तो मैं सारिया चीज़ा जड़िया कट के सोनिया बड़िया धो के रख लिया तो हूँ मैं ये जड़िया सारिया चीज़ा मिक्स करांगी ये पकौड़िया का जोड़ा सोहना मटीरियल बनावगी मैं तेन विखानी हाँ मैं सोहनिया चीज़ा सारिया तैयार करके तो रख लिया तो ये वास्ते देखो माशाल्लाह मैं सोहनी बड़ी जी पालक भी धो के रख ली प्याज सोना बड़ा कट के तो इदा के मैं जोड़े आलू आ सोने बड़े इदा के आलू कट्टे तो जोड़े क्रिस्पी चंगे खस्ता बनन धनिया भी कट लिया टमाटर भी तो हरिया मिर्चा भी हम मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारिया चीज़ा जड़िया शामिल करांगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले मैं शामिल करांगी ये पालक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाल ही मैं शामिल कर दांगी विच प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाल ही टमाटर शामिल कर दांगी नाल ही हरिया मिर्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम मैं शामिल कर दांगी नाल विच आलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने हसबे जरूरत जिन्हें आलू तुसी लेना चाहो उन्हें क्योंकि मेरा एक पाओ सी बेसन तो उस हिसाब नाल मैं एक आलू लिया तो मैं आलू विच शामिल कर दिता तो नाल मैं शामिल कर दांगी सब्ज़ धनिया तो थोड़ा जहा शामिल करांगी बाकी जड़ा मैं थोड़ा चटनी वास्ते जी चटनी बनानी है दही की वो वास्ते रख लवांगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुण मैं शामिल करांगी विच मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरदरी मिर्च डेढ़ चम्मच सी नाल मेरा जिहड़ा सुक्का धनिया का पाउडर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वह शामिल कर देंगी नाल ही हल्दी शामिल कर देंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाल ही सुक्का धनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुक्के धनिया की खुशबू बाशना बहुत ही वधिया जी आती है बहुत सोहना लगता नाल ही मैं शामिल कर देंगी बिच काली मिर्च का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाल शामिल कर देंगी मैं जीरा मसाला पाउडर बना के मैं शामिल किया नाल मैं नमक शामिल कर देंगी दो चम्मच मैं नमक ले सी छोटे छोटे दो चम्मच नमक ले सी अपने हसबे जरूरत जिन्ना तुसी पाना चाहो शामिल कर सकते हो तो सारी चीज़ा बड़िया आसान जी बड़िया वधिया जिया चीज़ा बस किचन दे विच जिहड़िया मौजूद होंदियां उही चीज़ा पाईया कोई वक्री चीज़ नहीं पाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुण मैं इहदा पानी विच शामिल करके तो हुण इहदा जिहड़ा मैं सारा मसाला तैयार कर लाँगी
आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़ा पानी पा के इन सारे नु मिक्स कर लो, हरिया मर्चा चीज़ा वगैरह सोनिया बिच शामिल हो जाए। हाँ जी, तो माशाल्लाह बड़ा वधिया जिहा मेरा मसाला तैयार हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुण तो शुरू करते हैं सोने वड़े पकौड़े बनाते हैं, तो फिर नाल नाल मैं तुहानू विखांदी हां। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुण आपां असीं अपने पकौड़े जिहड़े तलीए उहदे वास्ते मैं घिओ शामिल कर लिया कढ़ाई दे विच। ते कढ़ाई तुसीं जिड्डी वड्डी मर्जी लै लो, क्योंकि मेरे कोल कढ़ाई आही सीगी वड्डी सीगी, तो मैं हुण इही इस्तेमाल करन लगी हाँ। ठीक है, छोटी कढ़ाई जिहड़ी आ इस्तेमाल दे विच पहले ही सीगी, तो इस वजह तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकी, तो मेरे को वड्डी कढ़ाई है, तो मैं उन्हें ये ही अज पकौड़े कढ़ांगी। तो चलो हुण मैं जिन्नी देर तक मेरा घिओ थोड़ा जिहा पिघलदा उन्ना मैं वेट करदी हाँ, इंतज़ार करते हैं। तो घिओ जिहड़ा मैं अपने मुनासिब लै लो जिन्ना तुहाडा दिल करदा, तो क्योंकि घिओ जिहदे विच पकौड़े जिहड़े अच्छी तरह फ्राई हो जाए, तो उन्ना मैं घिओ लै लिया। हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, घिओ साडा जिहड़ा माशाल्लाह बड़ा वधिया जिहा तैयार हो गया, तो हुण मैं इहदे विच पकौड़े तलांगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़े वधिया जे ते बड़े सोहने खस्ता जे पकौड़े अज बनावांगी मैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, इदां ही आराम नाल पाई जाने हैं, बहुता मतलब ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, तो बहुते जड़े है ना छोटे छोटे भी नहीं पाने, मुनासिब जे पाने सोहने लगन प्लेट दे विच रखे हुए। तो अगर मतलब वक्ती तौर पर या फिर अचानक परौने भी आ जाए तो उन्होंने अगे रखे हुए भी सोहने लगन, तो आप भी खाते हैं सोहने लगन। माशाल्लाह पकौड़े पै गए, तो हुण मैं तुहानू सोहना बड़ा इन्हां नू हिला के विखांदी हां, नाल नाल इन्हू हिलाई जाना ताकि सड़न ना, सोहने बड़े पकौड़े जिहड़े खस्ता जे दोनों पासों जिहड़े सोहने पकौड़े बन जाण गोल्डन जे हो जाणगे, तो फिर असीं इन्हां नू ला लवांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बड़ा ही सोहना रंग, तो बड़ा ही वधिया जिहा आ रिहा, तो खुशबू भी सारे घर विच महकण लग गई है सोहनी जी, बड़ी सोहनी जी। माशाल्लाह बड़े सोहने बड़े वधिया जिहा रंग आ गया, इहनू हल्का हल्का जिहड़ा ना चमचे दे नाल थोड़ा थोड़ा नीचे नू दबाना है, तो ताकि इहदे विचों जिहड़ा हल्का पानी भी होएगा ना, तो वह भी मतलब सही हो जाए, पक जाएंगे चंगी तरह। हल्का हल्के हल्के हाथ नाल, ज़्यादा जोर के नहीं, हल्के हाथ नाल जिहड़ा इहनां नू थोड़ा थोड़ा दबा दो, ताकि अच्छी तरह चंगी तरह ना विचों भी पक जाण सोहने। तो रंग तो बड़ा सोहना बड़ा वधिया जिहा वेखण नू लगन दिया, तो हुण मैं इहनां नू एक प्लेट विच कढ लैंदी हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हुण मैं इहनू एक प्लेट दे विच कढ लवांगी। बिस्मिल्लाह रहमान, क्रिस्पी क्रिस्पी जे मज़ेदार जे, ते जिद्दां तुहानू लगदे मतलब हल्के भी कुछ लोग मतलब कढ लैंदे दवा दव, ते कुछ जिहड़े ना बहुत क्रिस्पी करके कढदे आ सोहने बड़े, ते मैं हुण इहनू एक प्लेट च कढ लवांगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत वधिया जे मेरे पकौड़े तैयार हो गया, माशाल्लाह बहुत ही सोहने, ते तुसीं वेख सकदे हो बड़े क्रिस्पी जे ते बड़े खस्ता जे पकौड़े माशाल्लाह बहुत सोहने तैयार हो गए। ते नाल दही, दही दी चटनी भी बना लो, ते दही नू तुसीं इदां भी खा लो जिद्दां तुहाडा दिल करदा है, तुसीं उदां बना के खाओ, ते नाले जिहड़ा अपना मौसम आ इहनू भी खूबसूरत तरीके दे नाल इंजॉय करो, ते लुत्फअंदोज़ होवो इस चीज़ तो, ते नाल मैनू भी इस चीज़ तो इजाज़त दो कि मैं फिर लैके आवांगी तुहाडे वास्ते एक नवीं तरकीब। ते इहनू तुसीं इह भी चाय दे नाल भी तुसीं खा सकदे हो, चाय बनाओ ते सोहना बड़ा मेहमानां नू भी पेश करो, ते नाले तुसीं आप भी इस तो लुत्फ उठाओ। ते बारिश दा मौसम वैसे ही चलन दिया, ते सोहना बड़ा बनाओ पकौड़े, ते अपनी जिंदगी जिहड़ी आ खूबसूरत अंदाज दे नाल जियो। ते इहदे नाल ही तुसीं मैनू इजाज़त दिओ, ते अल्लाह पाक तुहानू सब नू अच्छा और बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तुहाडे सब ते रहमत करे, करम करे, ते अपनी रहमतां दीआं बारिशां हमेशा पाई रखे तुहाडे ते। अल्लाह हाफज़। तुहानू अगर मेरी रेसिपी चंगी लगे तो इहनू सबसक्राइब करो, तो लाइक भी जरूर करो।